मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार जिले में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सीएम ने हांसी के थुराना गांव से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने गांव में 14 करोड़ की लागत से जलघर बनाने, कच्ची फिरनी बनाने और 1.8 करोड़ से गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में हॉल और कमरा बनाने की मंजूरी दी। तो वहीं सीएम ने गांव में छोटी अनाज मंडी बनाने को मंजूरी दी, जिस पर पंचायत ने 12 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि एस्टीमेट बनाकर काम शुरू कराया जाए। थुराना के बाद सीएम ने गांव ढाणा में लोगों की समस्याएं सुनी। सबसे पहले उन्होंने स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद वो लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे। स्टेडियम में खेलों के सामने और सामान के बारे में सीएम ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डीएसओ वीरेंद्र से सवाल पूछा तो वो कार्यक्रम में गैर मौजूद मिले। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान परिवार पहचान पत्र में छोटी बच्ची का जन्मदिन मिलने पर सीएम ने बच्ची को बुलाकर उसे बधाई देकर मिठाई और किताब भेंट की। थुराना में कार्यक्रम की खास बात ये रही कि ग्रामीणों के बैठने के लिए चारपाई बिछाई गई। राशन कार्ड की जैसे बात आई, हमने देखा कि राशन कार्ड बनाने के लिए जो गरीब आदमी थे उनको भी धक्के खाने पड़ते थे, उसका आसानी से राशन कार्ड बनता नहीं था। हमने भी कोशिश करी, बन नहीं पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक लिस्ट जारी हो गई थी 2011 में। वो लिस्ट थी SCCC डाटा, नाम ध्यान कर लो, SCCC डाटा। उस समय जिसकी आमदनी 1,20,000 रुपया साल की थी वो नाम थे, और उसमें भी उल्टे सीधे भी लिखे हुए थे। 3 लाख वाले का भी 1,20 लिख दिया, 5 का भी 1,20 लिख दिया, और कई बार तो 50-80 थे, उनके नाम थे ही नहीं। जब हमने सारा अध्ययन किया, जब ये परिवार पहचान पत्र बनाया, हमने उस लिमिट को 1,20 से 1,80 कर दिया। क्या 1,20 से ऊपर 1,80 तक भी राशन कार्ड सबके बनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक ही क्लिक से जो ये बहन करी ना, 3 महीने पहले हमने जनवरी में किया था, इसको 7-8 महीने हो गए, इनका लेट बना अलग बात है। हमने जनवरी में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे, 12.5 लाख। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज हरियाणा की जनता के साथ सीधे संवाद करते हुए गांव-गांव में पहुंच करके, और जो भी कोई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिल सके इसका प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को जनता के द्वार पर लेकर के जा रहे हैं। और उसी कड़ी में जो भी कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या जनता के काम हो, उनको सीधे वहीं पर ले रहे हैं, और जितनी समस्याओं का समाधान वहीं पर हो सकता है उसका प्रयास कर रहे हैं। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण एक भागीरथ प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी आज कर रहे हैं, जन संवाद के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ करके, ताकि जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो पिछड़ा है, उसकी आवाज़ को सुन सके, उसको कोई कहीं सरकारी कार्यालयों में उसको इधर उधर चक्कर ना काटने पड़े, धक्के ना खाने पड़े, उसके कामों को कोई रोक ना पाए, इसके लिए सीधा संवाद का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, श्रीमान मनोहर लाल जी कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई का कार्य है, और बहुत बड़ा इसका लाभ मिल रहा है जनता को।